हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों को ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ई बुक की आवश्यकता है तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ई बुक आप देख रहे हैं, एक चैप्टर वाइज ई बुक है जो कि बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी। इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सभी टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यूज को रखा गया है और साथ में 5 मॉडल पेपर भी यहां पर आप सभी को दिए गए हैं। कुल मिलाकर इस ईबुक के अंदर 1100 क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं, 1100 प्लस क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप सभी को लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट कीज, लिनक्स यूनिक्स कमांड, इंडियन करेंसी, फाउंडर्स नेम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ऐसे साथी जिन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई है और बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर भी नहीं देख सकते हैं तो आप इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ईबुक का प्राइस है 85 रुपीज़, बट अभी कुछ समय के लिए आप सभी को यहाँ पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। आप इस ईबुक को केवल 50 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं, केवल 50 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ करते हैं, बाय नाउ करेंगे इसके बाद में पेमेंट होने के बाद सीधे ही आपके मेल पर एक मेल आ जाएगा या फिर आपके सामने एक डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा जहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट किसी कारण से अगर आपका ई बुक डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, जहाँ पर हम आप सभी को शेयर कर देंगे, यानी आपके व्हाट्सएप पर ई बुक भेज दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी 85 दिख रहा है, वहाँ पर केवल आपको 50 रुपये ही दिखेगा और आपको सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर पर आप 512 MB की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछें कि कितना लेंथ की वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड या फिर 140 सेकेंड आप बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, 2 मिनट 20 सेकेंड या 140 सेकेंड, और साइज कितना हो सकता है 512 MB का। अगला सवाल देखो, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, कैथलीन बूथ, डेनिस रिची, ग्रैस हूपर या जेम्स कॉसलिंग? चलिए, आप सभी जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कैथलीन बूथ के द्वारा। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू जब आप करते हैं तो वहाँ पर जो पेज की दिशा, पेज का डायरेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मतलब किस प्रकार से पेज होना चाहिए? डिफ़ॉल्ट रूप से तो पेज आपका इस प्रकार से होता है, यानी ऐसा पेज आपका होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, है ना। तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड होता है और दो प्रकार का आपका ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप मोड होता है। तो यहाँ पर इसको बोलते क्या हैं, तो इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा ओरिएंटेशन। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया बताइए, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी विंग जो है आपका एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जा सकते हैं उन्हें अस्थाई रूप से संग्रहित किया जाता है। ऐसे मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जा सकते हैं उन्हें
अस्थाई रूप से संग्रहित किया जाता है, उन्हें अस्थाई रूप से कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? क्या होगा इसमें? इनबॉक्स होगा, आउटबॉक्स होगा, सेंट या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटबॉक्स। ऐसे मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जा सकते हैं, उन्हें आउटबॉक्स में स्टोर करते हैं। इनबॉक्स में वो मेल होते हैं जो आपको रिसीव हुए होते हैं, और सेंट बॉक्स में वो मेल होते हैं जो आपने भेजे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है? जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम लेते हैं, यानी न्यू कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें से क्या होता है वहां पर ऑप्शन में आपके? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी। जब आप न्यू कॉलम लेते हैं तो इंसर्ट कॉलम आफ्टर का ऑप्शन होता है, और एक इंसर्ट कॉलम बिफोर का ऑप्शन होता है। जैसे यहां पर कोई आपका कॉलम है ना, कॉलम मान लिया यहां पर वी है हमारा, और हम अब क्या करना चाहते हैं, एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे पूछेगा कॉलम आफ्टर या बिफोर, यानी यहाँ पर आपको आफ्टर में चाहिए या कॉलम बिफोर में चाहिए, जहाँ पर भी हमारा कर्सर है उससे। तो दो ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट कॉलम आफ्टर और इंसर्ट कॉलम बिफोर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते थे, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ना कि ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा है? फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात की गई है, तो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजाइक, वर्ल्ड वाइड वेब, नेटस्केप या सफारी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन पहला है, मोजाइक हो जाएगा। इसके स्थान पर अगर नेटस्केप नेविगेटर दिया जाए तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोजाइक का बाद में नाम चेंज करके नेटस्केप नेविगेटर कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर नेटस्केप दिया गया है तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल आपसे पूछें कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तब आपको बताना है www ही फर्स्ट वेब ब्राउजर माना जाता है। अगला सवाल है, इक्वल सम 5.2 कितना होता है? यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है, सम 5.2 की वैल्यू आपको बतानी है। सम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐड करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 5 में 2 आपको ऐड करना है तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है, प्रोडक्ट 5.2 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट जब लगा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, सम जब लगा होगा तब आपको जोड़ देना है। अगला सवाल देखो, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई, ये आपको बताना है। कौन सा सही जवाब है? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई? ऑप्शन पहला हो जाएगा, वी सिवारामन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने लॉन्च किया? पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने लॉन्च किया, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? किस बैंक ने शुरू किया सबसे पहले पॉकेट वॉलेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने पॉकेट वॉलेट शुरू किया। सवाल कहता है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा गया है, यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर क्या है, इसका इस्तेमाल सभी में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड में होता है, तो सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है? अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम पेज डाउन का यूज करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, पेज डाउन। और अगर प्रीवियस पर जाना है तो पेज अप का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर अगली स्लाइड पर जाना है तो हम एन का भी यूज कर सकते हैं, केवल एन प्रेस कर सकते हैं, और प्रीवियस के लिए हम पी प्रेस कर सकते हैं।
या फिर हम राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं और डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। राइट और डाउन एरो की से क्या होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और हम अप एरो अगर दबाते हैं, अप एरो की दबाते हैं या फिर आप लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो क्या होगा, आप प्रीवियस स्लाइड पर चले जाओगे। अगला सवाल है POS यानी पॉज का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पॉज का फुल फॉर्म आपको बताना है। पॉज का यहाँ पे मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा पॉज का फुल फॉर्म। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस में कट करने की कमांड किस मेनू में होती है, अगर हम कट करना चाहते हैं यानी कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट की कमांड आपको कहाँ मिलती है, यह आपसे पूछा गया है। कट कॉपी पेस्ट ये कब आपको कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एडिट मेनू। अगला सवाल पूछा गया है ट्विटर में, ट्विटर के लोगो में क्या होता है, ट्विटर के लोगो में क्या होता है, यानी ट्विटर का जो लोगो होता है वो किसका होता है, वर्ड उसमें होता है, कोई एनिमल होता है, कोई फ्लावर होता है या इसमें से कोई नहीं, तो आपने ध्यान दिया होगा ट्विटर के लोगो में क्या होता है, वर्ड होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला होगा वर्ड। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा मोबाइल फ़ोन ट्रैक किया जा सकता है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन पहला दिया है IMEI और दूसरा दिया है GPS, अब किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं आपको ये बताना है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है सभी को शेयर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉथ यानी IMEI और GPS दोनों के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। GPS का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, और IMEI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है सिंप्लेक्स डिवाइस का उदाहरण, सिंप्लेक्स डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, रिपीटर, वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन, कीबोर्ड या नन ऑफ दीज, तो कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर सिंप्लेक्स डिवाइस का, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड आपका एक सिंप्लेक्स डिवाइस होता है, सिंप्लेक्स डिवाइस में डेटा एक तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम वॉकी टॉकी की बात करते हैं तो ये कैसा है, वॉकी टॉकी कैसा है बताओ, सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है, तो वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स में आता है, ठीक है, किस में आएगा, हाफ डुप्लेक्स में आएगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा दोनों तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है बट एक समय में केवल एक तरफ से हो सकता है। अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये कैसा है, स्मार्टफोन आपका डुप्लेक्स है, यानी हम जब स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो डेटा हमारा दोनों तरफ से एक ही समय में ट्रांसमिट हो सकता है। किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं, किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार तो कर सकता है बट दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं, तो अभी इसके बारे में बताया, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दोनों कर सकते हैं बट एक समय में नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन तो दोनों तरफ से हो रहा है बट एक टाइम में एक ही तरफ से हो पा रहा है। यहाँ पर बताना है ई अस्पतालों या डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट है, और ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और भी बच्चे
तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का हमने लिंक डाल दिया है, जहाँ पर जाकर अभी आप सभी इस ई बुक को ओनली 50 रुपये में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।